हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक शोल्डर सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स इन गुड़गांव। हम शोल्डर सीरीज में बात कर रहे हैं वेरियस शोल्डर कंडीशंस के बारे में, और जैसे मैंने अपने पिछले सीरीज में रोटेटर कफ सीरीज में बताया था, अगर हम शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी को नेग्लेक्ट करते हैं या उसको टाइमली ट्रीट नहीं कराते तो शोल्डर वेयर आउट होने के चांसेस होते हैं। ये जो शोल्डर वेयर आउट है इसको हम मेडिकल टर्म्स में रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी कहते हैं, और आप अपने लैंग्वेज में इसको शोल्डर आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। शोल्डर आर्थराइटिस के अलग और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई पुराना फ्रैक्चर हो, आपको और कोई बीमारी हो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर नॉर्मल एजिंग वेयर आउट जैसे कि आपके नीज के साथ भी होता है। शोल्डर आर्थराइटिस इज बेसिकली द वेयर आउट ऑफ द कार्टिलेज इन द मेन शोल्डर जॉइंट बिटवीन द आर्म बोन एंड द शोल्डर गर्डल। ये जो आपका स्कैपुला है, शोल्डर गर्डल है और आर्म बोन है, इसका जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं मेन शोल्डर जॉइंट, और इसके आर्थराइटिस को ग्लिनो ह्यूमरल आर्थराइटिस या शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिस भी कहते हैं। शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिस कैन बी एज बैड एज योर नी आर्थराइटिस, और इन अ लॉट ऑफ पेशेंट इट इज नॉट दैट सिम्टोमैटिक। ये डिपेंड करता है आपका शोल्डर आर्थराइटिस का स्टेज क्या है और आपके एसोसिएटेड क्या कंडीशंस हैं। शोल्डर आर्थराइटिस के बारे में और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी आगे सीरीज में, अगले एपिसोड्स में। सबसे पहले जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, और इसका नॉन सर्जिकल या रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल क्या रहता है।